वेलकम बैक टू रियल कॉन्टेंट। आई नो रिसेंटली वीडियोज बहुत स्लो अपलोड हो रहे हैं बिकॉज ये रियल कॉन्टेंट का स्टार्टिंग स्टेज है, इसीलिए कुछ डिफरेंट टॉपिक में वीडियो बनाना हमारा एम है। सो हियर वी गो। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल है क्योंकि बाय मे एंड 12th स्टैंडर्ड बोर्ड फाइनली ओवर होने वाले हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स कॉलेज में अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन के लिए। पर कोरोना पैंडेमिक के सिनेरियो ने ये प्रूव कर दिया है कि सर्वाइवल के लिए डिग्री से ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है, और इसीलिए मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे जॉब्स और स्किल लेके आई हूँ जो आप डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी बैचलर डिग्री, या फिर डमी कॉलेज करके आप ये सारे स्किल सीख सकते हो। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, गेम डिजाइनर। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि गेम डिजाइनर एक्चुअली में होते कौन है। गेम डिजाइनिंग बेसिकली एक आर्ट है जिसमें आपको डिजाइन करके गेम क्रिएट करना होता है। गेम डिजाइनिंग का करियर अभी हाई डिमांड में है, ऑल दो मेटावर्स इज ऑल्सो कमिंग, गेम डिजाइनिंग फ्यूचर के वन ऑफ द टॉप जॉब्स में भी हो सकते हैं। अगर आपकी डिजाइनिंग अच्छी है तो कोई भी गेम डिजाइनिंग कोर्स करके आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3.9 लाख। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड नर्स। रजिस्टर्ड नर्स वो है जो पेशेंट के साथ रहते हैं, उनकी केयर करते हैं और पेशेंट की हर जरूरत नीड का ध्यान रखते हैं, जैसे मेडिसिन देना। वो डॉक्टर और अदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए आपको साइंस और आर्ट स्ट्रीम में 12th कंप्लीट करना होगा और कोई भी नर्सिंग प्रोग्राम में कोर्स करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 2.9 लाख है। परचेजिंग एजेंट। परचेजिंग एजेंट बेसिकली एक कंपनी के लिए सामान परचेज करते हैं। वो स्टैंडर्ड क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस और डिफेक्ट चेक करते हैं। वो सामान परचेज करके रीसेल करते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 7.8 लाख है। पर्सनल ट्रेनर। किसी एक पर्सन को ट्रेन करते हैं, उसके डे टू डे एक्टिविटीज को चेक करते हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, वर्कआउट असेस्ट करते हैं। सो बेसिकली पर्सनल ट्रेनर डाइटिशियन से सिमिलर है, लेकिन डाइटिशियन में आपको डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन और पर्सनल ट्रेनर में आपको ओवरऑल एक्टिविटीज को असिस्ट करना पड़ता है। इसकी एवरेज सैलरी 2.9 लाख है। फोटोग्राफर। ये तो सबको पता है कि फोटोग्राफर क्या होता है, जो फोटो खींचता है, इवेंट रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो ये प्रोफेशन आपके लिए। इसमें बस आपको ट्रेनिंग करना है, कोर्स और प्रैक्टिस चाहिए, फिर आप कोई भी वेडिंग प्लानर फ्रीलांसर में काम कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3.8 लाख है। राइटर। राइटर मतलब लिखना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना, मैगजीन के कॉर्नर के लिए आर्टिकल लिखना, या बुक लिखना, एसे लिखना, स्टोरीज लिखना, ये सब राइटर के प्रोफेशन में इंक्लूड होता है। राइटर बनने के लिए काफी लोग डिग्री करते हैं, लेकिन आप इसे आफ्टर 12th भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से आप प्रोफेशनल राइटर बन सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3.7 लाख है। ट्यूटर यानी टीचिंग। टीचिंग आजकल कोई भी कभी भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप कोई सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो या कोई स्किल में स्ट्रांग हो, जैसे आर्ट डांस क्राफ्ट स्पोर्ट्स या एकेडमिक्स, तो आप ऑनलाइन टीचिंग होम ट्यूटर आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एवरेज सैलरी 3.5 लाख है। तो ये रहे 7 जॉब्स जो आप डायरेक्टली 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी बैचलर डिग्री। लेकिन ऐसे और भी बहुत से गवर्नमेंट जॉब है जो विदाउट कॉलेज डिग्री के कर सकते हैं। उसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और मे बी इंटरव्यू भी देने पड़ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन जॉब्स पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना जाने का सोचना भी मत।